तो हम आपको सेल बायोलॉजी में सेल थियरी पढ़ाते हैं। ये देखिए, पहले आप हेडिंग देखिए, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल थियरी। ये पेज नंबर 126 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 126 पे नीचे की लास्ट लाइन पे लिखा गया है, यही से एनसीईआरटी शुरू करती है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको जिसने इसको प्रपोज्ड किया था, जो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, प्रपोज्ड किया था, ये दो लड़के हैं। ये एक का नाम है स्लाइडेन नाम है, देखें स्लाइडेन नाम है, ये स्लाइडेन है, और दूसरे का नाम जो है वो श्वान है। देखिए ये स्लाइडेन है और ये श्वान है। अगर आप इनके बारे में देखें तो ये स्लाइडेन जो है ये बॉटनिस्ट हैं, ये जो श्वान है ये जूलॉजिस्ट हैं। ये देखिए, ये जो स्लाइडेन है ये जर्मनी के हैं, मतलब जर्मन है, और टाइम है 1838 का। ये देखिए जो श्वान है ये ब्रिटिश हैं, ये देखिए ये ब्रिटिश हैं, ये टाइम है 1839 का। ये देखिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप कंफर्म कर लें। किसको जो एक्सप्लेन किया, स्लाइडेन ने, जो बॉटनी के हैं, जर्मनी के हैं ये 1838 में, श्वान हैं जो जूलॉजिस्ट हैं वो ब्रिटेन के हैं 1839 में। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन लोगों ने दिया, मतलब एक आदमी बॉटनी का है और एक आदमी जूलॉजी का है, मतलब एक प्लांट्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं, एक एनिमल्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने सेल के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया, सेल थ्योरी के बारे में बताया। आइए इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या क्या इनके कॉन्सेप्ट थे, क्या कहना चाहते हैं ये सेल थ्योरी के बारे में, उन्होंने क्या कहा। अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो सबसे पहला लिखा गया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इनका पहला कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं सेल, आप एक बात समझें, फोकस करें इस बात पे। यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, एक पहला शब्द लिखा है कि स्ट्रक्चरल और दूसरा शब्द लिखा है फंक्शनल। ये दो शब्द लिखे गए हैं। अगर आप इन दोनों शब्दों के बारे में नहीं समझते हैं, आप नहीं सीख पाते हैं, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ लिखा, देखिए, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो काम करती है। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो काम करती है, मैं आपको होशियार करता हूँ, सावधान हो जाइए। पहला काम भी करती है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती है। हम अगर आपसे पूछें आप किसके बने हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप ईंट के बने हैं, आप सोने ही बने हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, आपका भरोसा नहीं मुझे, सोने जैसा रंग है तेरा, और रंग सोने जैसा है, गोल्डन है, चांदी जैसे बाल, मतलब बूढ़े हो गए, सफेद कलर की चांदी जैसे बाल, एक तो ही क्या है, फिर आगे मतलब बोलना यहाँ ठीक नहीं है। तो आप सेल के बने हैं, ये बात समझें आप इस बात को बार बार फोकस करें, आप सेल के बने हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। और जो आपकी बॉडी में आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, निमड़ा निमड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ये फंक्शन है आपकी बॉडी के। ये चल रहे हैं तो कौन चल रहा है, ये एंटिटी चल रहा है, नहीं, ये सेल चल रही है। मुस्कुरा रहे हैं, कौन मुस्कुरा रहा है, सेल मुस्कुरा रही है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, सेल कर रही है। जो भी हो रहा है इस बॉडी में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सब सेल ही कर रही है। ये बात आपको समझनी है। जैसे हम, मैं बोल रहा हूँ, इसमें मसल सेल इन्वॉल्व है जो जबड़े को खोल रही है, ब्रेन सेल्स में चीजें इन्फॉर्म्ड है, वहां से नॉलेज निकल के आ रहा है, हमारा हाथ चल रहा है, बोन्स काम कर रही है, सब बना किसका है, सेल का बना है। गीता में जो श्री कृष्ण थे, आपने इनका नाम सुना होगा, जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन से पूछा,
गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन से पूछा जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, जीवन क्या है। अर्जुन ने कहा जीवन सेल है, सब कुछ सेल है प्रभु, सब कुछ जीवन का सेल है, ये ज्ञान है जीवन का गीता का। गीता में अर्जुन ने कहा आपसे एनकेटी कह रहे हैं, फर्क इतना ही है, आइए देखा जाए। तो सेल के बारे में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो देखिए सबसे छोटी यूनिट सेल है। जब कई सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज का निर्माण होता है, किसी भी टिश्यूज से आर्गन का निर्माण होता है या आर्गन से सिस्टम का निर्माण होता है। ये देखिए सिस्टम मतलब हम एक सिस्टम है, जैसे आपका कंप्यूटर एक सिस्टम है ऐसे हम भी एक सिस्टम है इंडिविजुअल। जैसे कभी आपने ये बात सोची डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमने एक बार डाइजेस्टिव लिख दूँ तो डाइजेस्ट सिस्टम हो गया। सिस्टम मतलब किसके आर्गन से, कौन कौन से आर्गन से, माउथ से, एलिमेंट्री कैनाल से, और भी जो आप पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो लंग्स आप कहेंगे, और भी जो उसके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, तो सिस्टम जो है वो आर्गन से बना है। और इस सिस्टम का मतलब एक व्यक्ति हुआ, हम एक सिस्टम हैं, सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड मूव कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, अनवांटेड सब्सटेंसेस पास कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स निकल रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब पूरी ये बॉडी एक सिस्टम है। ये बात आपको समझनी है, ये बात फोकस करनी है आपको। अगर मैं दिख रहा हूं तो ये आपकी गलती है, आपको मैं नहीं दिखना चाहिए, आपको मेरे अंदर सेल दिखनी चाहिए, आपको स्कैन करनी चाहिए बॉडी को। अगर आप बायो के सही स्टूडेंट हैं, आपके अगर ब्लड में ये बात घुस जा रही है तो ये देखिए, जब कई इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, जनसंख्या। आप कहते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या इतनी है, जब कई जनसंख्या आपस में इकट्ठा होती है तो बेटा मेरे लाल कम्युनिटी बनती है। ये कम्युनिटी रहती कहाँ है यार, ये बायोस्फीयर पे रहती है, जैव मंडल पे रहती है। और इस बायोस्फीयर कहाँ पे है, किसी प्लैनेट पे है। ये देखिए कौन सी प्लैनेट पे आप रहते हैं, आप पृथ्वी पे रहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं प्लैनेट आगे फाइनली क्या होगा तो आप सीधे लिखे ना यार यूनिवर्स है, धरती पे जो है यूनिवर्स। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई, ये है हमारी छोटी यूनिट। इस दुनिया का अगर कोई जिंदा जीव है तो अगर एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर, अगर कोई एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा सेल का बना है तो मल्टीसेलुलर। कितना आसान काम है, यूनी माने एक सेल का बना है, एक से ज्यादा सेल का बना है मल्टीसेलुलर। अमीबा कितनी सेल का बना है, एक सेल का, यूनिसेलुलर। हम कितनी सेल के बने हैं, ढेर सारे सेल्स के बने हैं मल्टीसेलुलर। मतलब इस दुनिया में जो भी जीव है वो उसमें दो चीजें हैं, सेल दो काम कर रही है, एक तो इन अंगुलियों को बना रही है और ये अंगुलियां जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसे भी कर रही है। ये बात आपको समझना चाहिए। तो अब आप देखिए ये बात समझिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे यूनिट छोटे यूनिट सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, बायोस्फीयर है, प्लेनेट है और यूनिवर्स है। ये पहला कमेंट, ये पहला कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए, इसका अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए इस चीज का यहाँ पे, तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका जो आया ये देखिए, ऑल सेल्स आर एलाइक, जितनी भी सेल्स हैं सब एक जैसी है, जितनी भी सेल्स सब एक जैसी है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया, सब में गोल्गी बॉडी है, सब में प्लाज्मा रेटिकुलम है, सब में राइबोसोम है। हाँ बस ध्यान रखें दो तरह की सेल है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा देखिए, फिर देखिए, सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा आपने पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, अगर हायर एनिमल्स हैं तो डीएनए है, लोअर एनिमल्स हैं सॉरी लोअर ऑर्गेनिज्म है तो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल।
लेकिन इस थ्योरी का जो निगेटिव आया, जब इस लोगों ने इनसे ये पूछा, लोगों ने उनसे ये बात पूछी कि आप ये बताइए कि नए सेल्स कैसे आती है। अगर आपसे पूछूं कि पहले पहले आप ये बात समझ लें कि इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया लिमिटेशन सेल थ्योरी की, आप देखिए अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि सेल थ्योरी की कमी क्या थी, तो लोगों ने इनसे ये पूछा लिमिटेशन क्या थी, हाउ न्यू सेल्स अराइज, हाउ न्यू सेल्स अराइज, नए सेल्स का निर्माण कैसे होता है। जब ये बात पूछी गई, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की है तो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। यहाँ से इसको ब्लॉक कर देता हूँ कि लोगों ने ये पूछा कि नई सेल्स का निर्माण कैसे होता है, कोई नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्त, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए, ये महान आदमी आया, इनका नाम था रुडोल्फ वर्शो, रुडोल्फ वर्शो नाम था, ये देखिए ये रुडोल्फ वर्शो आया, टाइम देखिए 1855 में, 1855 पे रुडोल्फ वर्शो। अब यहाँ देखिए शेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है 1838 और 1839 में आ रहा है। क्वेश्चन ये आया कि नई सेल्स बनती कैसी हैं, भाई नई सेल कैसे बनती है, जिसका जवाब ये स्लाइडन और स्वान नहीं दे पाए। इसका कॉन्सेप्ट जो दिया वो रुडोल्फ वर्शो ने दिया, और रुडोल्फ वर्शो ने कहा ओमिस सिल्ला ई सिल्ला, ओमिस सिल्ला ई सेलुला। इसका मतलब यह हुआ, आपसे अगर प्रश्न पूछे ध्यान रखेंगे कि सेल थ्योरी को कंप्लीट किसने किया, तो सेल थ्योरी को कंप्लीट किया रुडोल्फ वर्शो ने, इस आदमी ने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया ये कह के कि ओमिस सेलुला ई सेलुला, एक सेल से नई सेल का निर्माण होता है। जैसे अगर आपने बेटा पढ़ा होगा, सारे लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे ये एक सेल है, ये देखिए ये एक सेल है, ये इस पे 2n बराबर 46 क्रोमोसोम है, अगर ये सेल डिवाइड होके दो सेल बन जाए, ये देखिए एक सेल से दो सेल बन जाए और क्रोमोसोम की प्लॉयडी सेम रहे, 2n बराबर 46 और 2n बराबर 46 रहे, तो इस डिवीजन को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं सर इस डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। बताइए एक सेल से दो सेल बनी कि नहीं बनी, तो माइटोसिस क्यों कहते हैं, जिस सेल का डिवीजन हो रहा है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। जब पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है तो इसे माइटोसिस कहते हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये एक सेल है, यहाँ देखिए ये एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम है 2n बराबर 46, 2n बराबर 46, और इन सेल्स पे आप देखिए इनसे चार सेल्स बन जाए, ये देखिए एक, ये देखिए दो, ये देखिए तीन, ये देखिए चार, और इन चारों सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या n बराबर 23 हो जाए। ध्यान रखें पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 46 हैं, डॉटर सेल में क्रोमोसोम 23 हैं, हाफ हो गया, तो इस डिवीजन को बेटा मियोसिस कहते हैं। ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, हम नहीं जवाब देंगे, ये रुडोल्फ वर्शो ने एक्सप्लेन किया कि एक सेल से दो सेल बनती है, जब एक सेल से दो सेल बने क्रोमोसोम की प्लॉयडी पर कोई डिफरेंस ना आए तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर एक सेल से चार सेल बने पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाए तो हम उसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। आप यहाँ फोकस करें, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 46 हैं, डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, सब में 23 क्रोमोसोम हैं, तो इसे हम मियोसिस कहते हैं, इसे माइटोसिस कहते हैं। लास्ट में अंत में आपको एक बात याद करना है, सेल थियोरी का एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन कौन है सेल थ्योरी का, तो आपको ऐसे मैं यहाँ से मिला देता हूँ, सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है बेटा वो वायरसेस हैं, वायरसेस हैं, वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि वायरसेस के पास एक बिल ऑर्गेनाइज्ड सेल जैसा
स्ट्रक्चर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वायरसेस के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, जिससे उनके पास अपना एनर्जी का खुद का मेल नहीं है कि एनर्जी वो बना पाएँ, इसलिए वो हमेशा पैरासाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनके ऊपर उनके पास राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गीबॉडी जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस तरह का कोई भी क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वायरसेस को सेल थियरी का एक्सेप्शन कहते हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो अपन आपको टाइप्स ऑफ सेल पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स दो तरीके से देखी जाती हैं। पहली बात देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। सेल में डिवीजन की क्षमता है, सेल डिवाइड होना चाहती है या नहीं डिवाइड होना चाहती, इसके आधार पर सेल्स तीन तरह की हैं। डिवीजन के आधार पर जो इसकी पहली सेल्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। ये देखिए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, आप नाम देखिए मत डरिएगा, अभी आप नए हैं 11th में इसलिए आपको प्रेशर हो रहा होगा। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल माने सेल्स हैज पावर ऑफ डिवीजन। सेल्स हैज पावर ऑफ डिवीजन, ऐसे सेल्स जिनके पास डिवीजन की क्षमता है उन सेल्स को हम लोग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। मतलब जिनमें डिवीजन की क्षमता है उन सेल्स को हम लोग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये देखिए मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें डिवीजन की क्षमता हमेशा बनी रहती है, इन टिश्यूज को हम लोग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं या मेरिस्टमेटिक सेल्स कह सकते हैं। टिश्यूज ठीक नहीं है, मेरिस्टमेटिक जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम लोग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। जो दूसरी सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम लोग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ये देखिए दूसरी जो सेल्स हैं इन्हें हम लोग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं मतलब दे डू नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। दे डू नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, ये डिवाइड नहीं हो सकती हैं। अगर आप देखें एग्जाम्पल मैच्योर आरबीसी ऑफ कैवेटा मैमल्स। मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी है उसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैमल्स की मैच्योर आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी सेल आर्गनेल नहीं होता है, इसलिए इस तरह की सेल्स को डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। तीसरी जो सेल्स होती हैं उन्हें डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ये देखिए दूसरी तीसरी तरह की जो सेल्स हैं इन्हें हम लोग डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। इनके बारे में आप देखें मतलब सेल्स लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन बट दे ऑकेजनली डिवाइड ये देखिए तो आप देखिए पहली सेल है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जिनमें डिवीजन की क्षमता है, दूसरी है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं है। आप इसका एग्जांपल देखिए मैच्योर आरबीसी है जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं है। तीसरी सेल्स है जिन्होंने डिवीजन की क्षमता तो खो दी है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकती है लेकिन अकेजनली डिवाइड हो सकती हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो डिवाइड होगी। ये देखिए अकेजनली डिवाइड, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए एक होता है रीजनरेशन, जब किसी की पूंछ कट जाती है तो उसके पहले वहाँ की सेल्स डिवाइड नहीं करती रहती हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सेल्स फिर से डिवाइड करती हैं। ये देखिए उनके हीलिंग, अगर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल्स डिवाइड होके फिर से आपकी चोट को भर देती हैं, उनके हीलिंग। तो आप देखिए डिवीजन के आधार पर सेल्स कितनी तरह हो गई। पहली सेल्स हो गई जिन्हें हमने अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहा, जिनमें डिवीजन की क्षमता है जो डिवाइड हो सकती हैं। दूसरी सेल्स हैं
जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तीसरी होती है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, जिनमें जिनमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो गया है लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर से डिवाइड हो सकती है। ये तीन टाइप की सेल्स हैं जो आप जिसको आप जगह जगह पर एनसीईआरटी में लिखेंगे। जायगोट क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है, क्योंकि जायगोट किसका डिवीजन है? डिवीजन की क्षमता है। जिस सेल में डिवीजन की क्षमता है वो अनडिफरेंशिएटेड है, जो डिवाइड होना चाहती है, जो डिवाइड नहीं होना चाहती है वो डिफरेंशिएटेड है। जिसमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो गई है लेकिन जरूरत पड़ने पर डिवाइड होना चाहती है उसे हम लोग डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स के पहले टाइप हो गए। अगर दूसरा आधार देखा जाए तो दूसरा जो आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रेजेंस अब्सेंस के आधार पर हम लोग सेल्स को डिवाइड करते हैं। ये देखिए, तो पहली सेल है, अगर आपको याद हो तो पहली सेल होती है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये हुआ कि प्रो माने हुआ प्रिमिटिव, प्रो माने प्रिमिटिव हुआ, प्रिमिटिव हुआ, प्रिमिटिव हुआ, और यहाँ कैरियन का मतलब न्यूक्लियस हुआ। प्रिमिटिव माने प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस, जिसमें ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। जैसे मान लीजिए ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस ऐसे प्रिमिटिव है, अभी न्यूक्लियस बना हुआ नहीं है और यहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ है। ये देखिए जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है तो आप कह सकते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इन सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये देखिए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है। इस तरह की सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें बेटा, इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये पहला टाइप है न्यूक्लियस के आधार पर। दूसरी जो सेल है उसे हम लोग मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आपने नहीं पढ़ा है, आपको ये पढ़ा है मेसोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। ये देखिए इसकी जो तीसरी सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर आप मेसोकैरियोटिक सेल देखना चाहते हैं, मेसोकैरियोटिक सेल देखें, इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। मेसोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर आप देखें तो ये भी सेल है, ये सेल है, और इसके अंदर इस सेल का ये न्यूक्लियस है। तो आप कहेंगे सर अगर न्यूक्लियस है तो ये तो यूकैरियोटिक हो गई। जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल हो गई, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है। ये देखिए ये इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ, यहां पर आप चाहे लिख लें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये देखिए इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। फिर टेक्निकल क्या है? और एक तीसरी सेल जो आप पढ़ते हैं उसका भी नाम लिख देता हूं मैं। तीसरी जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ये भी आप पढ़ते हैं। ये देखिए तो अगर आप यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं तो यहां पर भी आप लिखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी एक सेल है। लेकिन इस सेल में आप देखें तो ऐसे इसमें भी न्यूक्लियस बना हुआ है, ये देखिए ऐसे न्यूक्लियस बना हुआ है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रोकैरियोटिक तो हर आदमी को समझ में आ जाता है, टेक्निकल क्या है? कि मेसोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल दोनों में न्यूक्लियस है, तो डिफरेंस किस चीज का है? हम आपको ये बात अभी तुरंत सिखाते हैं। तो हम आपको न्यूक्लियस के आधार पर सेल पढ़ा रहे हैं। पहली सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी सेल है मेसोकैरियोटिक सेल, ये आपके लिए सेल नहीं है, और तीसरी जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन आपको उसके पहले क्या सीखना है, आप यहाँ सीखें, यहाँ पर आपको सीखना है, फोकस करिएगा सारे लोग। देखिए दो चीज़ें हैं, डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल है, बस आप ऐसे थोड़ा सीखें। तो डीएनए में अगर हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाए, मतलब अगर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ऐड हो जाए, जुड़ जाए इससे, तो इस तरह के डीएनए का जो शेप होता है, ऐसे डीएनए का जो शेप होता है वो डीएनए का शेप होता है लीनियर डीएनए, मतलब इसका शेप डीएनए का जो होता है लीनियर होता है। ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि अगर डीएनए के साथ, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन ना जुड़े,
ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद करना है, हिस्टोन प्रोटीन न जुड़े, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन न जुड़े, तो इस तरह के डीएनए का जो शेप होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये देखिए, इसमें जो एडवांस डीएनए होता है वो लीनियर वाला होता है, ये वाला। मतलब डीएनए के दो शेप होते हैं, एक डीएनए का शेप होता है जब वो सर्कुलर दिखाई पड़ता है, और एक डीएनए दिखाई पड़ता है लीनियर। इसी डीएनए के आधार पे आपको देखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं है और हिस्टोन भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोन प्रोटीन वहां लिखी हुई है, हम ये आपको और सिखा देते हैं। यहां देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो आपने कहा सर अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो आप इसे यूकैरियोटिक कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो डीएनए है, इस सेल का जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ये भी डीएनए सर्कुलर डीएनए है। ये बात आपको सीखनी है, ये डीएनए भी सर्कुलर डीएनए है। तो न्यूक्लियस के आधार पर यह सेल यूकैरियोटिक है, लेकिन डीएनए के हिसाब से, जो ये डीएनए के हिसाब से सेल है, सर्कुलर डीएनए इसमें भी प्रेजेंट है। इस सर्कुलर डीएनए के कारण यह सेल प्रोकैरियोटिक है। मतलब यह हुआ कि इसमें भी हिस्टोन न्यूक्लियस में नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स वो सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियस में डीएनए तो है लेकिन डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं है। प्रोकैरियोटिक के पास भी हिस्टोन नहीं है लेकिन न्यूक्लियस भी नहीं है। यूकैरियोटिक के पास हिस्टोन नहीं है, न्यूक्लियस है, लेकिन इसको हम मेसोकैरियोटिक कर रहे हैं। हिस्टोन नहीं है इस आधार पर यह प्रोकैरियोटिक है, हिस्टोन नहीं है इस आधार पर प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस है इस आधार पर यह यूकैरियोटिक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेसोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की कनेक्टिंग लिंक है। जो तीसरी सेल आप पढ़ते हैं इसमें, वो पढ़ते हैं आप यूकैरियोटिक सेल। तो अगर आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं बेटा, ये बात आपको आज सीख लेनी है। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ, अगर आप यहां देखें तो यू माने होता है वेल डेवलप्ड। कोई चीज अगर वेल डेवलप्ड है तो उसे यू शब्द लगाते हैं, और कैरियन माने हुआ क्या, कैरियन माने हुआ न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस हुआ, तो अगर आप देखें यहां देखें तो यूकैरियोटिक माने हुआ कि ये शेल है। ऐसे देखिए ये शेल है, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ऐसे आप बना दीजिए, ऐसे शेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कभी आप डीएनए ना देख के क्रोमेटिन देखते हैं, ऐसे देखते हैं। तो इस पे अगर आपको लिखना हो तो आप लिखाएंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें, ये वाला जो कमेंट है वो इससे मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेसोकैरियोटिक सेल से कमेंट मिलता है। तो इसके हिसाब से मेसोकैरियोटिक सेल भी, लेकिन यहाँ पर देखिए डीएनए कौन सा है, यहाँ डीएनए सर्कुलर डीएनए है, और यहाँ पर जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए है। लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इन कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो आपको नहीं लगता है कि जो डिफरेंस है वो हिस्टोन प्रोटीन का है? फिर से आप एक बार समझ लें कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, हिस्टोन भी नहीं है। मेसोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, हिस्टोन नहीं है, इसलिए डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है मेसोकैरियोटिक में, एग्जांपल डायनोफ्लैजेलेट्स है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी है, हिस्टोन भी है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है वो लीनियर शेप का है।